माँ का छोटा सा परिवार था। वो अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। किचन में सभी के लिए खाना बना रही थी। एक दिन सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी मयंक बोलता है, ए क्या, तुम तो रोज दाल चावल ही बना देती हो, तुम्हें खाने में कुछ नया बनाना नहीं आता है क्या? मुझे लगा कि आपको देर ना हो, इसीलिए जल्दी जल्दी में मैं यही बना पाई। पूरे दिन घर पर रहती हो और तुम्हें सिर्फ खाना ही बनाना होता है, वो भी तुमसे ठीक से नहीं होता है। मयंक गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। मेरी फाइल, मेरी चीजें मुझे ढूंढ के दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। एक आवाज सुन के प्रीति फट से खड़ी हो जाती है। ओ, पहले खाना तो खा ले, बाद में चली जाना। माँ जी, मैं बाद में खाना खा लूंगी, अब खाना खाइए, मैं उसे सारी चीजें ढूंढ के देख के आती हूँ। मयंक बिना खुद से अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर तू बहू को क्यों परेशान करता है? तू खुद भी जाकर पानी पी सकता है ना। वो सारे दिन घर पर ही तो रहती है और उसे काम होता ही क्या है? मयंक की ऐसी बात सुनकर रमा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। दिन रमा प्रीति को अपने पास बुलाती है। तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, ऐसा कर एक दो दिन तू अपने मायके चली जा। लेकिन माँ जी, मैं मायके चली गई तो घर का काम कौन करेगा? और आपका भी तो ख्याल रखना है मुझे, और मयंक जी, वो तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। तू उसकी चिंता मत कर, वो सब मैं संभाल लूँगी। तू बस अपने मायके जा, और वो दो दिन रुकेगी तो अपने माँ का ख्याल भी अच्छे से रख पाएगी। प्रीति तो अपने मायके चली गई थी। मयंक जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ वो एक कप चाय। मयंक अभी इतना बोल ही रहा था तभी रमा बीच में बोल पड़ती है, अरे बेटा तू कह ही रहा है तो मेरे लिए भी एक कप चाय बनाते आना। आज प्रीति नहीं थी इसलिए मयंक को खुद ही अपने और अपनी माँ के लिए दोनों के लिए चाय बनानी पड़ती है। जैसी चाय बहू मेरे लिए बनाती है वैसी तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, फिर भी मैं ये पी लेती हूँ। मयंक को माँ की ऐसी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। एक तो उसने चाय बनाई थी, ऊपर से उसे ही सुना रही है। कुछ देर मयंक अपने कमरे में आराम करता है और फिर कुछ देर बाद फिर से अपनी माँ के पास आता है। हाँ, बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बना रही हो? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है कि मेरे पैरों में कितना दर्द रहता है, इसलिए मैं तो खाना नहीं बना पाऊँगी। ऐसा कर, तू ही हम दोनों के लिए कोई अच्छा सा खाना बना दे। फिर मयंक खुद ही खाना बनाने में लग जाता है। प्रीति के बिना मयंक को ही अपने और अपनी माँ के सारे काम उसे करने पड़ते हैं। मयंक खुद ही ये सारे काम करके अब परेशान हो जाता है। हे भगवान, क्या मुसीबत है, कभी चाय बनाओ, खाना बनाओ, माँ का ख्याल रखना और घर के दूसरे काम भी, बस अब प्रीति घर आ जाए तो अच्छा है, मेरी मुसीबत तो टले। अब मयंक को समझ आ गया है कि घर पर भी कितने सारे काम होते हैं। दो दिन रुकने के बाद प्रीति भी अपने मायके से लौट आती है। जी, आपने तो कहा था कि मेरी माँ बीमार है, लेकिन मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझसे झूठ कहा। अगर मैं तुझे वैसे ही मायके जाने के लिए कहती तो तू न जाती, इसीलिए मैंने ये बीमारी का झूठ बोला। मैं चाहती थी कि तू दो दिन मायके में रहे और तेरी जगह मयंक सारा काम करे, तब उसे भी पता चले कि घर में कितना सारा काम होता है,
इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर प्रीति के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बात कर ही रही थी तभी वहाँ मयंक आता है। प्रीति तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझसे तो अब घर के काम हो ही नहीं रहे थे। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मैं तो वही सोचता था कि घर में कुछ काम ही नहीं होते हैं, पर मैंने खुद जब ये सब काम किए तभी मुझे समझ में आया। अब मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूँगा। तो मयंक प्रीति के काम में भी उसकी मदद करता था। सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।